विनीत आइए देखते हैं आपसे मिलने कौन आए। मेरा नाम शीतल प्रकाश मोरे, मैं भांगने गांव की हूँ और अजीबाई स्कूल में मैं टीचर हूँ। ये स्कूल की शुरुआत योगेंद्र बांगर सर जी और दिलीप भाई दलाल उन्होंने की। गांव की बुजुर्ग महिलाएं जो राशन लाने जाती थी तभी मतलब लाइन में खड़ी होती थी, जो पढ़ी लिखी लोग है वो साइन करते थे निकल जाते थे, लेकिन इन महिलाओं को अंगूठा देना पड़ता था। मतलब इनके मन में ऐसा लगता था कि हम लोग अनपढ़ है तो हमें भी साइन करना आना चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगता था हमें कुछ तो कमी है, हमारी इतनी उम्र हो गई लेकिन हमारी जो ख्वाहिश थी पढ़ने लिखने की वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। दादी की पाठशाला शुरू करते इसका नारा लगाया तो इतनी दादी और लोग दौड़ के आई कि इसकी शुरुआत ही कम से कम 32-33 अजी से शुरुआत हो गई। मैं इसी गांव की हूँ, मैं इस गांव में बहू हूँ, मतलब ये सब मेरी सासू माँ लगती है। इनको पढ़ाना बहुत मतलब बड़ी बात है। मैडम याची बोलायची असं कसं पुस्तक धरलंय, असं सरळ धरायचं, असा खडू धरायचा, असा खडू असा लिहायचा, असं का। बच्चों को जैसे एक साथ पढ़ाया जाता है वैसे दादियों को नहीं पढ़ा सकते हम लोग, क्योंकि किसी को दिखाई कम देता है, किसी को सुनाई कम देता है, किसी के हाथ कांपते हैं तो उनका हाथ हाथ में पकड़ कर उनको सिखाना पड़ता है। काय परमेश्वराची कृपा, तर खरोखर आम्हाला ह्या आजीबाईच्या शाळेमुळं एवढा मान आहे, अख्ख्या जगामध्ये लोक आम्हाला ओळखतात, आम्ही ह्या पाटलावरून आम्ही कुठं गेलो ना का आमचं अशी दर्शन घेतात। येगळा दिवस आज येगळी गमत। आज हमारे इस फांगणे गाव को आजी की पाठशाला के नाम से जाना जाता है। आम्ही इंडियन आयडल बघतो, आम्हाला खूप आवडते। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारी क्यूटी पाइस के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाकई में यार यू नो ऐसी कहानियां हम देखते हैं और सुनते हैं तो दिल भर आता है। मैम मैं स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कैसे ऑपरेट करता है, कब से कब तक आप पढ़ाई करते हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ा विस्तार में हमें बताएं। ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे 60 साल के आगे की सब दादी नानियाँ पढ़ने आती है। इस पाठशाला में मतलब उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम लोग बचपन में कभी स्कूल गए नहीं है तो हमें इस उम्र में पढ़ने के लिए मिला है, तो मतलब रोज आते हैं ये लोग पाठशाला में। दोपहर 2 से 4 बजे तक ये पाठशाला चालू होती है जी। और मुझे गर्व होता है कि इस पाठशाला में पढ़ाने का मौका मुझे मिला है और इस पाठशाला में मेरी सासू माँ भी आती है और उन्हें भी मैं पढ़ाती हूँ। सासू माँ भी आती। तो फिर कभी नोकझोंक हुई है? नहीं नहीं, पाठशाला में तो कुछ नहीं होता। अरे वाह क्या बात है। तो पाठशाला के बाहर? घर में तो मैं उनकी बहू हूँ। नमस्ते मैम, तुम्ही खूप छान दिसता आहे, गोड गोड पुरणपोळी सारखा सब। एक आपके पीछे मैंने एक बहुत ही क्यूट चीज देखी है और एक्चुअली बहुत साल हो गए इसे देखे हुए। तो मैम ये आपका स्कूल बैग है? सो क्यूट। एचआर जजेस विशु सर देखिए ना क्या बात है, प्यारा सा स्कूल बैग है। आम्ही शाळेत घेऊन जातो। हां बिलकुल। पहिले लहानपणी आम्ही शाळेत गेलो नाही, आम्हाला खूप हौस होती पण वडिलांनी शाळेत जाऊ दिली नाही। आम्ही 5 भावंडा, वडील बोलले दोघांना शिकू दे तुम्ही नका जाऊ। आम्ही तिघी बहिणी घरीच राहिलो। आता बांगरसराई आजीबाईची शाळा सुरू केली,
तेव्हा असं वाटलं ना आता तरी शिकावा, ह्या वयेमध्ये तरी सही आली तर आली. शाळेत गेल्यानंतर खडू कसा पकडायचा, पाटी कशी पकडायची काहीच कळत नव्हतं. मग ती काय करायची, हाताला अशी पकडायची, खडूनी अशी लिहायची, लिहून दाखवायची, पाटी अशी पकडायची, पुस्तक असं धरायचं. गाणी शिकवली, कविता शिकवली, अक्षर सर्व आम्हाला येतात, असंही येते. एवढी इच्छा होती, परमेश्वराने तेवढी पूर्ण केली. क्या बात है मैम. और हमारी प्यारी क्यूटी पाइज, आप हमारे विनीत से कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? अभी ना जाओ छोड़कर और गुलाबी आंखें. और गुलाबी आंखें, क्या बात है. चलिए हो जाए फिर विनीत के लिए तालियां. अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा. मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं. अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं. दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे
ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवारों पे तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्दे जिगर क्या कहूँ ऐ दिलरुबा जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया विनीत सिंह तुमने आज फिर एक बार साबित कर दिया कि सिंगिंग का कोई अगर धुरंधर है इंडियन आइडल में तो वो विनीत सिंह है क्या बात है थैंक यू सर फैंटास्टिक आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस थैंक यू सर थैंक यू विनीत For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.